चंद्रवती की दो बेटियां थीं, रेखा और करिश्मा। बहुत साल पहले चंद्रवती का पति गुजर चुका था। अपने पति के गुजरने के बाद चंद्रवती को ही अपनी दोनों बेटियों को पालना था, इसलिए उसने अपने जेवर बेचकर गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन खरीदी और एक स्कूल के बाहर गन्ना रस बेचना शुरू कर दिया। चंद्रवती की एक लड़की घर का काम संभालती और दूसरी चंद्रवती के साथ काम पर जाती। कौन घर पर काम करने के लिए रुकेगा और कौन काम पर जाएगा, इसे लेकर रेखा और करिश्मा के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती। माँ, करिश्मा पिछले दो दिन आपके साथ जा चुकी है, आज मैं काम पर चलूंगी। माँ, ये रेखिया गन्ना रस कम बेचती है और स्कूल के लड़कों से ज्यादा बतियाती है, इसलिए ये आपके साथ जाना चाहती है। ओहो, तू तो जैसे दूध की धुली है। विपिन के बारे में बताओ माँ को, वो जो स्कूल के बाहर अमरूद बेचने आता है। तुम दोनों लड़ना बंद करो, अब से तुम दोनों एक एक दिन मेरे साथ चला करोगी। एक दिन करिश्मा ने अचानक अपनी माँ को बताया कि वो विपिन से शादी करना चाहती है। बेटी, इतनी जल्दी शादी करके क्या करोगी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और फिर विपिन का परिवार भी अच्छा नहीं है, इतने सारे भाई हैं उसके और उसके पिता शराबी हैं। करिश्मा ने जिद पकड़ ली और वो विपिन से शादी करके ही मानी। चंद्रवती ने शादी में करिश्मा को सारा सामान दिया, जितना उससे हो सकता था उसने किया। करिश्मा की शादी के बाद करिश्मा अपनी माँ के घर पर ही पड़ी रहती। धीरे धीरे विपिन और उसका पूरा परिवार भी करिश्मा की माँ के घर आने लगा। एक दिन करिश्मा की माँ और बहन घर पर नहीं थे तो विपिन ने करिश्मा से कहा, आने वाले दिनों में तुम्हारी माँ रेखा की शादी कर सकती है, फिर रेखा और तुम्हारे बीच मकान और धंधे की कमाई आधी आधी बटेगी। ऐसी नौबत आए उससे पहले ही हमें दोनों को घरों से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। आखिर हमें आने वाली पीढ़ी की फिक्र करनी है या नहीं। करिश्मा विपिन की बातों में आ गई। विपिन ने अपने पूरे परिवार को बुलाया और करिश्मा की माँ और बहन को घर से बाहर निकाल दिया। आज के बाद घर हमारा और गन्ना मशीन भी हमारी, दोनों माँ बेटी दिखाई मत देना, वरना मेरा पूरा परिवार तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा। रेखा और चंद्रवती आंखों में आंसू लिए अपनी जान पहचान की एक रिश्तेदार के घर चले गए। माँ, हमें पुलिस स्टेशन जाकर करिश्मा और विपिन की रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। नहीं बेटी, मैं एक माँ हूँ, करिश्मा अपने पति के साथ मिलकर चाहे कैसी भी हो गई हो, लेकिन है तो मेरी बेटी और तुम्हारी बहन, एक माँ अपनी औलाद को कैसे दुख दे सकती है। तो क्या हम सड़क पर भीख मांगे? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास कुछ है। रेखा की माँ ने अपनी कमर से एक नथुनी निकाली। ये नथुनी आपके पास कहाँ से आई माँ, आपने तो सारे गहने बेच दिए थे। मैंने ये नथुनी बचा कर रखी थी क्योंकि ये बाकी गहनों से अलग है। इस नथुनी को पहनो, एक लंबी सांस खींचो और छोड़ो, तुम्हारे अंदर जिस चीज की खुशबू जाएगी, सांस छोड़ने पर वही चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। ऐसी बात है क्या, मैं ट्राई करके देखती हूँ। हाँ हाँ करो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, एक बार में सिर्फ एक ही चीज की खुशबू अंदर लेनी है। अगर एक से ज्यादा चीजों की खुशबू अंदर गई तो सांस रुक जाएगी और बाहर नहीं निकलेगी, जान की आफत हो जाएगी। रेखा ने नथुनी पहनी और सूजी के हलवे को महक लेकर जैसे ही सांस छोड़ी, सामने सूजी के हलवे का ढेर लग गया। रेखा और उसकी माँ ने 1 किलो गाजर खरीद कर गाजर का हलवा बनाया। फिर जादुई नथुनी की मदद से गाजर के हलवे की खुशबू लेकर और छोड़कर ढेर सारा हलवा तैयार कर लिया। शुरुआत में उन्होंने हलवा बेचा, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी सारी मिठाइयां बनाकर जादुई नथुनी की मदद से एक मिठाई की दुकान खोल ली। उन्हें अच्छी कमाई होने लगी और उन्होंने किराए पर एक अच्छा घर ले लिया। उधर करिश्मा और विपिन के पेट में खलबली मच गई। उन दोनों माँ बेटी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उन्होंने मिठाई की दुकान खोल ली।
मैंने भी अपने दोस्त से मंगवाकर मिठाई खाकर देखी थी, बहुत बढ़िया देसी घी की मिठाई है, तुम जाकर जरा पता करो। करिश्मा एक दिन अपनी माँ के पास पहुँची और खूब चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी। माँ हमें माफ कर देना, आपके और रेखा के साथ जो भी हुआ वो सब विपिन की वजह से हुआ है, मैं विपिन के साथ शादी करके बहुत पछता रही हूँ। करिश्मा नाटक करके रोने लगी। चंद्रवती से अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे नहीं गए और उसने करिश्मा को जादुई नथनी के बारे में बता दिया। माँ एक दिन के लिए अपनी जादुई नथनी हमें दे दो, विपिन तो सारे पैसे शराब और जुए में उड़ा देता है, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। चंद्रवती एक माँ थी इसलिए उसका दिल पिघल गया, उसने जादुई नथनी करिश्मा को दे दी। एक दिन बाद जब रेखा करिश्मा के पास जादुई नथनी वापस मांगने पहुंची, तो विपिन का पूरा परिवार लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? दुई नथुनी सोने की मुर्गी है, अब मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। रेखा बेचारी अकेले कुछ नहीं कर पाई और रोते हुए अपने घर लौट गई। अब मैं शहर में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान पर जाऊंगा, नथुनी पहनकर खुशबू सूंघूंगा और सांस छोड़कर ढेर सारी मिठाई तैयार कर दूंगा, फिर उसे गांव में लाकर बेचूंगा। करिश्मा और विपिन अपनी मिठाई की दुकान खोलने के लिए इतने ज्यादा उतावले थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि नथुनी पहनकर सिर्फ एक मिठाई की खुशबू लेनी है। विपिन शहर में मिठाई की दुकान पर पहुंचा और उसने एक बार में कई मिठाइयों की खुशबू सूंघ ली, सांस बाहर नहीं निकल पाई और वो वहीं मर गया। सुनीता नाम की एक किसान जम्मू के छोटे से गांव में रहती थी। शादी के 2 साल बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था। सुनीता के खेत में मुश्किल से बस इतनी खेती होती थी कि अकेले उसका गुजारा हो पाए। देखो सुनीता बहन, मैं मानता हूँ कि एक समय था जब इस पिस्ता के पेड़ से बहुत फायदा होता था, पर अब ये पेड़ मरने की कगार पे है, इसके ऊपर अपना समय और पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? ये पहला पेड़ है जो मैंने और हितेश ने लगाया था इस खेत में। आपको पता है ये पेड़ मेरे दिल के कितने करीब है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं राजू भाई, और वो भी हितेश के दोस्त होते हुए। बहन तुम ये भी तो सोचो कि इस पेड़ को काट के तुम बेच दोगी तो तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, तुम्हारा घर पैसों से चलता है कि हितेश की यादों से? एक रात को जब सुनीता सो रही थी, उसे अपने खेत में कुछ आवाज आई। उसने बाहर जाके देखा तो कुछ बदमाश गांव वाले उसके खेत से पेड़ और पौधों की चोरी कर रहे थे। बदमाश पिस्ता के पेड़ तक पहुँचे और उसे काटने वाले थे। सुनीता उनकी तरफ चिल्लाते हुए भागी, पर वो बदमाश पिस्ता के पेड़ पे अपनी कुल्हाड़ी मार चुके थे। उनके पीछे भागते हुए सुनीता अपने सर के बल गिर गई। दूसरी सुबह सुनीता ने देखा कि पेड़ स्वस्थ और सुंदर लग रहा था। उस पिस्ता के पेड़ में बहुत सारे पिस्ता के फल लगे हुए थे। सुनीता ने एक बड़ी टोकरी में सारे पिस्ता के फल तोड़ के रख दिए और सोचा कि दूसरी सुबह बाजार में बेचने जाएगी। सुबह पिस्ता की टोकरी के बगल में एक और टोकरी थी। सुनीता ने बाजार में सारे पिस्ता बेच के काफी ज्यादा पैसे कमाए। दूसरे दिन फिर से सुनीता ने 2 टोकरी पिस्ता के फल तोड़े और अगली सुबह वहाँ 4 टोकरी थी। हे भगवान, ये पिस्ते का पेड़ तो एक अजूबा है, और मैं आपका लाख लाख शुक्रिया करती हूँ इस अजूबे को मेरी जिंदगी में लाने के लिए। सुनीता, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, जब मैं तुमको फल नहीं दे रहा था तब भी तुमने मुझे काट के नहीं बेचा, अब मेरी बारी है तुम्हारा ख्याल रखने की। राजू सुनीता से मिलने आता है। सुनीता बहन, कौन सी लॉटरी लग गई आपकी? कोई लॉटरी नहीं लगी है भाई साहब, याद है मैंने कहा था कि ये पेड़ हितेश की निशानी है, तो बस
उसी का कमाल सोच लो। हितेश का कमाल? मैं कुछ समझा नहीं। सुनीता राजू को जादुई पिस्ता के पेड़ के बारे में बताती है। राजू अपने घर चला गया, पर उसके दिमाग में वो जादुई पिस्ता के पेड़ की बात रह गई थी। उसने सोचा, ये पिस्ता का पेड़ अगर उसको मिल जाता, तो वो जिंदगी भर बैठे बैठे पैसे कमा सकता है। राजू ने पिस्ता का पेड़ काटा। राजू पेड़ को अपने खेत में लगा के खुश हो गया। राजू एक टोकरी पिस्ता निकालने गया, पर वो सड़े हुए पिस्ता थे। दूसरी सुबह राजू को दो टोकरी सड़े हुए पिस्ता मिले। जब से पिस्ता का पेड़ लगाया था, तब से राजू के खेत के बाकी पौधे भी सड़ने लगे थे। उसने सोचा कि सुनीता की जिंदगी बर्बाद करने की वजह से उसे ये सजा मिली है। वो सुनीता को जाके सब सच सच बता देगा और फिर शायद उसके खेत ठीक हो जाए। राजू जब सुनीता के खेत पहुंचा, तो सुनीता और भी ज्यादा खुश लग रही थी। राजू भैया, अच्छा हुआ आप फिर से आ गए। पिछली बार जिस दिन आप आए थे, उसके बाद तो मेरी जिंदगी पलट गई। आप यकीन नहीं करोगे कि उस पेड़ के नीचे से 4 नए पेड़ उग गए। अब मेरे पास 4 जादुई पिस्ते के पेड़ हैं, और हर रात को मैं जो 4 टोकरी पिस्ते लेकर आती हूँ, वो दूसरी सुबह 8 टोकरी बन जाती है। राजू को ये बात सुनके अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जमीन पे बैठ के अपना सिर पीट पीट के रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी की किस्मत अलग होती है, और किसी और का बुरा करके हम अपनी भलाई कभी नहीं कर सकते।